हमारा शरीर पांच तत्वों से मिलकर बना है, या यूं भी हम कह सकते हैं कि हमारी सृष्टि पांच तत्वों से मिलकर बनी है, और हर चीज की, हर तत्व की एक अहम भूमिका है हमारे जीवन के निर्माण में। और जब हम इन तत्वों के संपर्क में आते हैं तो हम विशेष तरह के फायदे पा सकते हैं, चाहे वो पृथ्वी हो, जल हो, वायु हो, आकाश हो या अग्नि हो। आज हम बात करेंगे कि अग्नि के प्रभाव क्या हैं और अग्नि के बारे में हमारे पुराण क्या कहते हैं। अग्नि को देवता माना गया है, अग्नि को ईश्वर के समकक्ष माना जाता है, अग्नि के फेरे लेकर ही विवाह का कार्य संपन्न किया जाता है। तो आखिर अग्नि का महत्व क्या है और आम जीवन में, सामान्य जीवन में हम अग्नि का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। चाल चक्र में क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे अग्नि के प्रयोग और प्रभाव के बारे में, अग्नि के प्रयोग में किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए, और अलग अलग तरीके से अग्नि का प्रयोग करने से कैसे आपकी मनोकामना पूरी होगी, इस विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि हमारे पुराण अग्नि के बारे में क्या कहते हैं, अग्नि का धार्मिक महत्व क्या है और साइंस क्या कहता है अग्नि के बारे में, अग्नि का वैज्ञानिक महत्व क्या है। देखिए, अग्नि ऑक्सीजन के साथ अन्य तत्वों का ऐसा संयोग है जिससे प्रकाश और ऊर्जा दोनों पैदा होती है। अग्नि में ऑक्सीजन का होना जरूरी है, बिना ऑक्सीजन के अग्नि प्रज्वलित नहीं हो सकती, इसीलिए ऑक्सीजन के साथ अन्य तत्व मिल करके एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं, एक ऐसा संयोग बनाते हैं जिससे प्रकाश और ऊर्जा पैदा होती है। सृष्टि के पांच तत्वों में पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, इन पांच तत्वों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली और सबसे ज्यादा विनाशकारी शक्ति जो मानी जाती है वो अग्नि की ही मानी जाती है। बिना अग्नि के सृष्टि का पालन नहीं हो सकता और बिना अग्नि के सृष्टि का संहार नहीं हो सकता, दोनों ही तरह की ऊर्जा के लिए, संहार के लिए और पालन के लिए अग्नि की आवश्यकता है। पुराण कहते हैं कि धर्म की पत्नी वसु के संयोग से अग्नि का जन्म हुआ था और अग्नि और स्वाहा के संयोग से उनके तीन संतान उत्पन्न हुए। तो कुल मिलाकर 49 प्रकार की अग्नि बताई जाती है। अगर हम पुराणों की बात करें, वैसे तो नॉर्मली हम एक ही अग्नि को महत्वपूर्ण समझते हैं, लेकिन अगर हम पुराणों की बात करें तो कुल मिलाकर 49 प्रकार की अग्नि पाई जाती है। अग्निदेव की भौं, दाढ़ी, केश और आंखें पीली हैं। हम अग्नि को देवता मानते हैं, अगर इनके चित्र को समझें, इनके रूप को समझें, तो अग्निदेव की भौं, दाढ़ी, बाल और आंखें पीली हैं, अंग स्थूल हैं, अंग मोटे हैं और उदर, उनका पेट लाल है। ये बकरे पर आरूढ़ हैं, अक्षमाला लिए हुए हैं हाथ में, इनकी 7 ज्वालाएं हैं और ये शक्ति को धारण करते हैं। यानी अग्नि के अंदर लाल और पीले रंग की प्रधानता है और अग्नि के पेट में, अग्नि के बीच में ही सारी ऊर्जा उसकी पाई जाती है और अग्नि की तकरीबन 7 ब्रांचेज, 7 शिखाएं होती हैं जिसको 7 ज्वाला कहते हैं। अग्नि के बारे में कहते हैं कि यह हर प्रकार के पाप का नाश करके समस्त चीजों को स्वीकार करती है। आप अग्नि में कोई भी चीज डाल दीजिए, अग्नि उसे स्वीकार करेगी और कुछ देर में उसको जला करके भस्म कर देगी। तो अग्नि समस्त चीजों को स्वीकार करती है और लगभग समस्त चीजों को अपनी तरह का बना लेती है, अपनी तरह का कर देती है।
तो अग्नि को बहुत ज्यादा पवित्र भी मानते हैं। इसीलिए आप देखें कि तमाम पूजा उपासना के कार्यों में हम अग्नि का इस्तेमाल करते हैं, यहां तक कि विवाह के जब फेरे लेते हैं तो अग्नि को ही साक्षी मान करके तब विवाह के फेरे लेते हैं, क्योंकि अग्नि के अंदर पवित्रता बहुत ज्यादा होती है, ये पाप को तुरंत भस्म कर देती है, इसीलिए अग्नि को पवित्र माना जाता है। अब ये जानते हैं कि अग्नि के प्रयोग का सही तरीका क्या है, अग्नि का प्रयोग कैसे करें। सामान्य रूप से अग्नि का प्रयोग तीन तरीके से होता है। अगर हम अपने जीवन में समझना चाहें तो हम तीन तरीके से अग्नि का प्रयोग करते हैं, दीपक में, पूजा के समय, चूल्हे में, भोजन बनाने के समय, और हवन में, पूजा की समाप्ति के समय। प्रार्थना के लिए दीप स्वरूप अग्नि की उपासना की जाती है। दीपक जला करके उसकी जो अग्नि होती है हम उससे प्रार्थना करते हैं, ये पहला प्रयोग है। संपन्नता, समृद्धि और पोषण के लिए, भोजन आदि बनाने के लिए चूल्हे में अग्नि का प्रयोग होता है, चूल्हे में हम अग्नि का इस्तेमाल करते हैं। देवी देवताओं की कृपा और सामाजिक कल्याण के लिए हवन के रूप में अग्नि की पूजा की जाती है। जब हम पूजा समाप्त करते हैं तो हमें देवी देवता की कृपा मिले, जिस उद्देश्य से हम पूजा कर रहे हैं वो पूजा हमारी सफल हो, पूजा हमारी संपूर्ण हो, इसके लिए हम हवन करते हैं और हवन स्वरूप में अग्नि की उपासना हम करते हैं। जब आप आग जलाते हैं, अग्नि का प्रज्वलन करते हैं, चाहे वो खाना बनाने के लिए कर रहे हो, चाहे वो हवन के लिए कर रहे हो, अग्नि प्रज्वलन के पहले, अग्नि जलाने के पहले उससे कृपा की प्रार्थना करनी चाहिए। आग जलाने के पहले उससे कृपा की प्रार्थना करना अच्छा होगा। प्रयोग कर लेने के बाद भी, जब आप अग्नि का प्रयोग कर लेते हैं उसके बाद भी अग्नि को प्रणाम करना चाहिए, यानी अग्नि का प्रयोग करते समय, प्रयोग की शुरुआत करते समय और अग्नि का प्रयोग समाप्त करने के साथ साथ अग्नि को प्रणाम करना चाहिए, ताकि उनका आशीर्वाद आसानी से मिल पाए। अब ये जानते हैं कि अग्नि के प्रयोग की सावधानियां क्या हैं, किन सावधानियों के साथ अग्नि का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, अग्नि का अपमान मत कीजिए, क्योंकि हमारी परंपरा कहती है कि अग्नि देवता हैं, इसलिए अग्नि का अपमान ना करें, उसमें उल्टी सीधी चीजें मत डालिए जलाने के लिए, अग्नि का अपमान मत करिए और अग्नि को पैरों से मत बुझाइए। आग को बुझाने के लिए जल या वायु का प्रयोग करना सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अगर अक्षय अग्नि का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे लोगों के घर में लगातार ज्योति जलती रहती है, लगातार दीपक जलता रहता है, उसको कहते हैं अक्षय अग्नि, या बहुत जगहों पर लकड़ी लगातार जलती रहती है, साल के सालों साल लकड़ी जल रही है, धूनी जलती रहती है, या साल के सालों साल घर में दीपक जलता रहता है, इसको अक्षय अग्नि कहते हैं। अगर अक्षय अग्नि का प्रयोग करते हैं तो घर में पवित्रता बनाए रखें, क्योंकि आपने जीवंत ईश्वर को आमंत्रित कर लिया है, इसलिए अगर घर में पवित्रता नहीं रखेंगे तो आपको मुश्किलें होंगी। शयन कक्ष में अग्नि के प्रयोग से जहां तक हो सके बचना चाहिए। अपने बेडरूम में अग्नि का प्रयोग अगर आप ना करें तो अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप बेडरूम में आग का प्रयोग करते हैं, अग्नि का प्रयोग करते हैं, तो उससे आग लगने का खतरा तो है ही, इसके अलावा वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं, इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि अग्नि को अलग अलग मनोकामनाओं के लिए कैसे प्रयोग में ले आए, कैसे अग्नि का प्रयोग करेंगे। संपन्नता और समृद्धि के लिए हवन की अग्नि का इस्तेमाल कीजिए। संपन्नता और समृद्धि के लिए
हवन की अग्नि में रोज सवेरे सुगंधित चीज या सुगंधित वस्तु की आहुति दीजिए। घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना है, घर की निगेटिव एनर्जी को दूर करना है तो हवन कीजिए। हवन की अग्नि में शाम के समय हवन सामग्री डालिए। संध्या को जब हवन कर रहे हैं, सूर्यास्त के आसपास का समय होगा, उस समय हवन कीजिए और अग्नि में हवन सामग्री डालिए तो उसकी सुगंध के प्रभाव से, उसके धूम्र के प्रभाव से जो घर की निगेटिव एनर्जी है, जो घर की नकारात्मक ऊर्जा है, निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। संध्या काल में पूजा के स्थान में दीपक के रूप में अग्नि का प्रयोग कर सकते हैं, यानी शाम के समय अपने घर में पूजा करिए, दीपक जरूर जलाइए और दीपक के रूप में अग्नि का प्रयोग करिए। ऐसा करने से आपको आयु और एकाग्रता दोनों की प्राप्ति होगी। जिन घरों में संध्या काल में दीपक जलता है या दीपक के रूप में अग्नि की पूजा की जाती है, वहां लोग स्वस्थ रहते हैं, वहां लोगों को बीमारियां नहीं होती और लोगों की उम्र भी लंबी होती चली जाती है। तुलसी के पौधे के नीचे दीपक के रूप में अग्नि का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन की समस्या दूर हो जाती है। यानी अगर आप तुलसी के पौधे के नीचे नियमित रूप से घी का दीपक जलाएं या अग्नि की व्यवस्था करें तो इससे आपके वैवाहिक जीवन की जो तमाम प्रॉब्लम्स हैं, जो तमाम समस्या हैं, वो निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। दर्पण के समक्ष यानी शीशे के सामने अगर आप अग्नि का प्रयोग करते हैं तो आर्थिक संकट दूर होता है। यानी अगर आप शीशे के सामने मोमबत्ती जलाते हैं या शीशे के सामने दीपक जलाते हैं जिसका प्रकाश दुगुना हो जाता है, जिसका प्रतिबिंब दुगुना हो जाता है, ऐसा अगर आप करते हैं तो इससे आपके आर्थिक संकट कट जाएंगे, इससे आपके आर्थिक संकट दूर हो जाएंगे। तो अग्नि का अलग अलग तरीके का प्रयोग करके आपको लाभ हो सकता है और खास तौर से अगर घर में दीपक के रूप में या हवन के रूप में अग्नि का प्रयोग किया जाए तो बहुत ज्यादा फायदा दिखाई देगा। जिन लोगों को आर्थिक संकट है या जिन लोगों को पैसे रुपए की दिक्कत है, ऐसे तमाम लोगों को जब भी आप भोजन पकाते हैं, भोजन पकाने के लिए चूल्हा जलाते हैं, आग जलाते हैं, पहले कुछ भी पकाने के पहले उसे प्रणाम कीजिए और जब भोजन पका करके अग्नि को शांत करते हैं, आग को बुझाते हैं, उस समय भी उसे प्रणाम कीजिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो अग्नि के आशीर्वाद की वजह से आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और आर्थिक संकट भी आपका निश्चित रूप से दूर होगा।